संविधान में जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं पुरानी सरकारों के शासनकाल से बड़े दुखी हैं, दुविधा में हैं। कभी वो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट करते हैं, कभी कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को वोट करते हैं और दोनों बार ठगे जाते हैं। हाल ही के दिनों में मैं ज्यादा संगीत में रहा क्योंकि पाली में, चूरू में, जोधपुर में, जयपुर में लगातार घटनाएं हुई और इस सक्रियता के बाद दो तीन बार की सरकार से वार्ता भी हुई यहाँ के संगठनों की टीम की, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। तो कुछ जिम्मेदारी की चीजें जो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया के जरिए सरकार को जानी चाहिए। जैसे पहला मामला है राजस्थान प्रदेश में मानव अधिकार एवं दलित उत्पीड़न अत्याचार की घटना लगातार बढ़ रही है। भारत में पहला ऐसा प्रदेश है राजस्थान जहां एक आईपीएस को भी अपनी शादी में पुलिस सुरक्षा, पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। ये बड़ा शर्मनाक है। उसके अलावा पाली जिले में जितेंद्र एक बार हत्याकांड हुआ था, दो बड़े बड़े आंदोलन हुए, सरकार के लोगों ने वादा किया कि हम लोग इसमें न्याय देंगे, हमारी मांगें पूरी होंगी, लेकिन आज तक उन मांगों पर कोई काम नहीं हुआ। सरकार ने ठगने का काम किया यहाँ के दलित समाज के लोगों को। इसके खिलाफ हम लोग, मैं जब आगे की बात पूरी करूंगा तो बताऊंगा कि इसके खिलाफ हमने एक निर्णय लिया है। उसके अलावा धौलपुर में बाड़ी में जो है स्थानीय विधायक गिरिराज मलिक का, जो सरकार से कनेक्टेड विधायक है, उन्होंने दलित समाज के एक कर्मचारी एएम जो है हर्षाधिपति वाल्मीकि पर जानलेवा हमला किया। वो दलित समाज तो से तो है ही, लेकिन वो एक अधिकारी कर्मचारी सरकार का हिस्सा भी। ये विधायक जी ने पूरी सरकार के मुंह पर तमाचा मारा। एक अधिकारी को पीटना यानी कि सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति को पीटना और सरकार उस पर अपने अधिकारी के साथ ना खड़े होके अपराधियों के साथ खड़ी, ये दुर्भाग्यपूर्ण। अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। तो मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, बताएं कि फिर राजस्थान में कानून का राज कैसे स्थापित होगा। 22 जगह से फ्रैक्चर होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो एक अधिकार, अपनी सरकार के अधिकारी को न्याय दिला पा रहे तो आम आदमी क्या न्याय दिला पाएंगे। ऐसे मुख्यमंत्री को अपने कार्यशैली के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, दौसा जिले में हमारे संगठन के पदाधिकारी पर जानलेवा हमला हुआ और जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि जो सरकार अपने अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा नहीं दे पा रही है वो अन्य को क्या दे पाएगी, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ। तीसरा, कांग्रेस के वर्तमान शासनकाल में एक तरफ तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भयानक धांधली चल रही है, ऐसे कई पैमाने यहाँ की मीडिया ने उजागर भी किए हैं। कोई ऐसी परीक्षा नहीं इसमें धांधली ना चल रही हो। वहीं कमजोर वर्ग के आरक्षण पर भी कुठाराघात किया जा रहा है और एक अभी वीडियो की भर्ती हुई है, 2021 में प्री रिजल्ट आया है। भारतीय संविधान में जो आरक्षण नियमावली है उसको पूर्ण रूप से उसमें खारिज किया गया है। वो लोग कोर्ट भी जा रहे हैं इसके खिलाफ और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को संविधान का पालन करना चाहिए। ये सरकार दूसरी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को कोसती रहती है लेकिन अपने आप तो कानून का पालन, संविधान का पालन नहीं करती है। उसके अलावा भाजपा शासित राज्यों से आ रहे पशु चारे को भी राजस्थान में नहीं आने दिया जा रहा, जिस कारण प्रदेश में चारा संकट बढ़ गया है और पशुपालन जिनकी वजह से हमारे घरों तक दूध पहुंचता है। जो एक बड़ा समाज है, किसान, कमेरा, मजदूर वर्ग जो है उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। उनको ना कमेरों की चिंता, ना नौजवानों की चिंता, ना बेरोजगारों की चिंता और ना ही पशुपालकों की चिंता। अगर सरकार चिंता करती तो वो लोग बेबस ना होते और सरकार को ध्यान में नहीं देती। तो सरकार को जगाने के लिए आज मैं मीडिया के माध्यम से अपनी बात कर रहा हूँ और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जब अपने अधिकारी कर्मचारियों की नहीं सुन रही, पीड़ितों की नहीं सुन रही है, तो पूरे राजस्थान में बहुत जल्द मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ कि हम लोग न्याय यात्रा पूरे 33 जिलों में निकालेंगे और 33 जिलों में न्याय यात्रा गुजरने के बाद जयपुर में उसका समापन और एक बड़ी रैली
और इस सरकार को जगाने के लिए और अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ी रैली जयपुर में आपने दिन हम लोग करेंगे। तो एक न्याय यात्रा, शोषित वंचित वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा की और जो अन्याय अत्याचार अक्रमणियां बढ़ती है उसकी रोकथाम के लिए, अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जागरूक करने के लिए राजस्थान में चलाई जाएगी। और मुझे विश्वास है कि वो न्याय यात्रा सरकार की जड़े इरादे की सरकार को पता रहेगा कि जब प्रदेश की जनता का शोषण किया जाता है जनता ऐसी सरकारों को समझ कर। धन्यवाद। और कोई आपका सवाल हो जी? हाँ, उसकी जल्द सूचना जो है मीडिया को दी जाएगी। 33 के 33 जिलों में निकलेगी और जयपुर में समापन होगा बड़ी रैली के साथ। आजाद समाज पार्टी बहुत ताकतवर तरीके से उसको करेगी। वो इसलिए है क्योंकि सभी जिलों में अन्याय अत्याचार हो रहा है और मुख्यमंत्री तो अपना जिला गृह जनपद नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जिनके उनके गृह जनपद में दंगे होते हैं और वो आपको कानून की बात, कानून के राज की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है कि ये उन्हीं का प्रदेश है और वो यहाँ के प्रथम नागरिक मुख्यमंत्री, तो उनको जाना चाहिए। क्या वो अपने प्रदेश की जनता को मारने के लिए या दंगों में झुलसने के लिए छोड़ देंगे? अगर ऐसा करते हैं तो गैर जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और इसकी वजह से लोगों में गुस्सा है, निराशा। धन्यवाद। मुझे मैंने अपनी बात रखी है, मैंने दोबारा से पूछा अगर आपको कोई सवाल हो। क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है आजाद समाज पार्टी? आजाद समाज पार्टी जो विधानसभा चुनाव के करने की घोषणा कर रही है वो विधानसभा नहीं है। अभी तो अपने लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं क्योंकि ये जो राजस्थान कांग्रेस सरकार है ये यहाँ के वंचित तबके ने ही बीजेपी के विरोध में बनाई। अब ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से ज्यादा खतरनाक होते हमारे लोगों का शोषण करा रहे हैं तो अब इनको भी सबक सिखाना पड़ेगा।